उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर एम्प्लाइज ट्रस्ट एवं उत्तर प्रदेश कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के GPF तथा CPF धनराशि के अनदेखी और DHFL में निवेश करने के खुलासे के बाद से विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की जीवन भर की बचत डूबने के कगार पर है। इस दिशा में सरकार द्वारा कोई ठोस कारगर कदम नहीं उठाने पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों में बेचैनी के साथ साथ दिनों दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। विद्युत अधिकारी व कर्मचारी सहित संघर्ष समिति आगामी 19 नवंबर को धरने पर बैठे रहेंगे। क्या मामला है आपको? ये मामला है कि 14 तारीख को, जैसा कि आपको मालूम है कि 14 तारीख को हमारा एक कार्य बहिष्कार हुआ था। इसमें CPF और GPF घोटाला के उसमें, लेकिन परिवहन तंत्र या किसी ने, सरकार ने अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं करी। इसलिए हमारा 18 और 19 तारीख को फिर दोबारा कार्य बहिष्कार है कि हमारा GPF और CPF का जो पैसा है, जो कि किसी निजी कंपनी को दे दिया गया है और वो पैसा वापस होने की उम्मीद नहीं है, इसी के उसमें हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा मांग ये है कि PF और GPF घोटाले के तहत जो हमारा पैसा डूबा है उसकी जिम्मेदारी सरकार ले, सरकार लिखित आश्वासन दे और हमारे PF के पैसे की जिम्मेदारी ले, जिससे कि हमारा भविष्य निश्चित हो सके और हमको भुखमरी के कगार पर ना जाना पड़े। ये हमारी मुख्य मांग है। साथ ही हमारी मांग ये है कि जिस व्यक्ति द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए CPF GPF के पैसे को इस तरीके से एक गैर कानूनी तरीके से और अनिश्चित फंड में उसका निवेश किया गया, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। ये संघ समिति के द्वारा ये घोषित कार बहिष्कार 2 दिन का चल रहा है। अगर इसमें कोई सफल प्रयास हमें नहीं दिखाई देते हैं तो हमारे अधिकारी द्वारा जो हमें आदेश दिए जाएंगे उसको हम पालन करेंगे। इस समय ये कार्य बहिष्कार 18 और 19 नवंबर 2 दिन का है। पूरा मामला ये है कि जो GPF और CPF का जो पैसा था ये DHLF में लगाया गया है, कंपनी डूब गई और उसे जो है लोगों को अंधेरे में रख के लगाया गया। पूरी जो प्रक्रिया थी उसका उसमें पालन नहीं किया गया है और इसी वजह से लोगों का जो है ना पैसा, चूँकि GPF और CPF का पैसा डूब गया है, लोगों में आक्रोश है। लोग चाह रहे हैं कि सरकार इस चीज़ की जिम्मेदारी ले और सबको आश्वस्त करे लिखित रूप में, किसी के पैसा डूबेगा नहीं, सब आदमियों को प्रॉपर पैसा मिलेगा। क्योंकि इस समय जो लोग रिटायर हो रहे हैं या होने वाले हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उन लोगों ने अपना भविष्य का जो भी उसका रूट मैप तैयार किया होगा कि रोड मैप ये रहा कि भाई रिटायरमेंट के बाद मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो सारी चीज़ें उनकी नहीं हो पा रही है और आगे जो और भी लोग हैं उन लोगों का भी भविष्य खतरे में नज़र आ रहा है। इसलिए जो है ना ये धरना प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा है। कल शाम को जो भी संघर्ष संयुक्त संघर्ष समिति के जो भी निर्देश होंगे उसका अनुपालन कर